स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेन साहू हाजिर हूं आपके लिए एक नया चैप्टर पे चर्चा करने। और आज हमारा चैप्टर रहेगा ट्रांसपायरेशन। तो ये बहुत अच्छी है हमारे चैनल की बात है कि हमने 10th के लिए भी अपने लेक्चर्स स्टार्ट किए, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल पेपर्स पे, गेस्ट पेपर्स पे, जिससे कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम इंप्रूव कर सकें। कोशिश तो यह है कि 100 out of 100 का टारगेट रहेगा, लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, मेहनत करेंगे आप, हम भी करेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बात बहुत अच्छी है कि आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे कोर सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक बात आपको और करनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे लेक्चर स्टेप वाइज, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हम आगे चालू करते हैं अपना लेक्चर। लास्ट तक देखना है, एंड तक लेक्चर को देखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा है, चैप्टर हमारा है ट्रांसपायरेशन, और टॉपिक हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। एक्सपेरिमेंट एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, चलिए समझते हैं ट्रांसपायरेशन है क्या। फ्रेंड्स, तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा हमारा टॉपिक है जिस टॉपिक में हम एक मैकेनिज्म को समझते हैं, जिस मैकेनिज्म में एक प्लांट से एक्सेस वाटर रिमूव हो रहा है। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी से भी एक्सेस वाटर निकलता है जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकल रहा है। लेकिन ट्रांसपायरेशन जो टर्म यूज किया गया है, वो टर्म यूज किया गया है एवोपोरेशन ऑफ वाटर, लेकिन लिविंग बींग से हो रहा है, इसलिए हमने एवोपोरेशन टर्म नहीं यूज किया, हमने यूज किया ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन देता हूं आपको कि डिफिनेशन क्या होगी हमारे ट्रांसपायरेशन की। तो अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की, तो इस ट्रांसपायरेशन की डिफिनेशन ट्रांसपायरेशन का क्या डिफिनेशन होगी, सबसे पहले डिफिनेशन समझें। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर from the aerial part of the plant। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का एरियल पार्ट है क्या, ये सपोज एक प्लांट है आपका, ये तो ट्री हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी, ये तो ट्री में भी है, प्लांट में भी है। अब इसका वो पार्ट जो आप देख रहे हैं सॉयल के बाहर है, एयर के टच में है, इसे हम एरियल पार्ट कहते हैं, एरियल पार्ट। अब इस एरियल पार्ट से आपका एक्सेस वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा। और जब ये वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बारे में एक चीज कही जाती है, बहुत अच्छी चीज कही जाती है, और कही जाती है नेसेसरी इवल।
नेसेसरी इवेल। नेसेसरी इवेल का मतलब है एक आवश्यक बुराई। भाई अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? नया वाटर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपायरेशन एक आदमी हम लास्ट टाइम में पढ़ के आए हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो न्यू प्लांट रूट से, न्यू वाटर रूट से ऊपर नहीं आएंगे, और अगर न्यू वाटर नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत क्या होगी, मिनरल्स भी प्लांट को नहीं मिलेंगे। तो ट्रांसपायरेशन की एक इंपॉर्टेंस है और इसी की देन है अमेजॉन जैसे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा वाटर इवेपोरेट कराते हैं, क्लाउड्स को बनाने में बहुत बड़ा हेल्प है प्लांट्स का। तो ये हमें ऑक्सीजन तो दे ही दे रहे हैं, साथ ही साथ एक्सेस जो वाटर रिमूव हो रहा है उस एक्सेस वाटर के कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी गिरता है। वाटर साइकिल को कंप्लीट करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है? तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ट्राई तो ट्रांसपायरेशन की डिफिनेशन है कि हाँ ट्रांसपायरेशन क्या होता है। अब बात यह मानी जाती है कि सर कैसे पता चला लोगों को भी ट्रांसपायरेशन होता है? अरे जैसे कि आप कपड़ा फैलाते हो छत पे, आपको दिखता है क्या पानी उड़ता हुआ ऊपर? नहीं दिखता पानी उड़ता हुआ, लेकिन टॉवल तो थोड़ी देर में सूख जाती है। कुछ ऐसा प्लांट के साथ है, भले आपको वो वाटर इवेपोरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है लेकिन हो रहा है। हालांकि मैं अभी एक साइंटिफिक तरीके से इसका आपको एविडेंस दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली इतना देखें, अगर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, अच्छे खासा वेजिटेशन इलाके में जाते हैं, तो एक जो ओपन लैंड है उस ओपन लैंड के कंपैरिजन में उस इलाके में आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस होगा। क्यों हो रही है? वो नेचर एक नेचुरल कूलर है। क्यों नेचुरल कूलर है? वाटर एवोपरेट हो रहा है, हवा चल रही है, अब वो ठंडी ठंडी हवा आपको लग रही है। क्या है ये? नेचुरल कूलर है। तो ये तो एक प्रैक्टिकली चीज रही कि हाँ सर आपने जो कहा कि अगर हम एक ठंडी इलाके पे जाकर हम जाएं एक वेजिटेशन वाले इलाके पे, तो हमें ओपन लैंड के कंपैरिजन में, ओपन लैंड के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा राहत वहां मिल जाती है। लेकिन सर एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया जाए? तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए मैंने ही अपने लेक्चर में सबसे पहला एक पॉइंट लाया है, एक्सपेरिमेंट्स। क्या लिखा मैंने? एक्सपेरिमेंट्स लेक्चर में पहले लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स। तो चलिए एक्सपेरिमेंट में चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए डिमॉन्स्ट्रेशन पे, हम सीधे पहुंचते हैं अपने डिमॉन्स्ट्रेशन पे, जहां पे मैंने वादा किया था कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन बताएंगे। तो एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन सबसे पहले ले लेते हैं, बुक से और भी डिमॉन्स्ट्रेशन बताती है लेकिन हम एक सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन ले लेते हैं। एक डिमॉन्स्ट्रेशन होता है बेटा जहां पर आप क्या होगा कि हम एक बेलजार ले लेते हैं, जैसे देखिए बेटा ये बेलजार होता है, सबसे पहले हम एक कॉमन सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दें जो बहुत ही कॉमन होता है, रेयरली केसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन सिंपल ज्यादा है इसलिए पहले आपको हम सिंपल तरीका दिखा दें डिमॉन्स्ट्रेशन का। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे घर में भी कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ये बेटा आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेलजार, ये होता है बेलजार। इस बेलजार के अंदर हमने अपना एक पॉटेड प्लांट लगा लिया, हमारा पॉटेड प्लांट लगा हुआ बेहतरीन सा प्लांट, अच्छी खासी लीव्स है, अच्छी खासी लीव्स है। अब हमने इस पॉटेड प्लांट के जो मिट्टी थी उस मिट्टी पे मिट्टी को पॉलीथीन से कवर कर दिया, ये पॉलीथीन से कवर कर दिया। पॉलीथीन से कवर करने का कारण ये था कि सॉइल में जो मॉइस्चर है वो बाहर ना आए, तो ये एक पॉलीथीन कवर हो गया, ये हो गया पॉलीथीन कवर।
ये बड़ा आपने लगा दिया क्या वैसलीन? वैसलीन से लगाई किसके मोटर ना पड़े नहीं, वैसलीन से लगाई भाई कि हमारा बाहर से कुछ अंदर क्लियर ना जाए। आप बड़ा कुछ देर बाद देखेंगे जो ये बेलजार है, इस बेलजार के टिप पे, इस जगह पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। आप सवाल यही उठता है कि सर न्यूमिया वाटर ड्रॉपलेट्स, आप सवाल यही उठेगा कि सर ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहां से? बाहर से एयर मत जाए कोई, मॉइस्चर वाली एयर मत जाए कोई, क्योंकि हमने वैसलीन लगा दी, वैसलीन प्रिवेंट कर रहा कोई अंदर एयर नहीं जाएगी। अगर हमारे पॉटेड प्लांट से एयर जा रहा होता तब भी हम मानते कि हाँ ये आ गया, हमने यहाँ इसके लिए पॉलीथीन कवर कर दिया है। फिर कैसे बेलजार के टिप पे वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई पड़ने लगे? यही सवाल हो गया कि हाँ प्लांट्स का एरियल पार्ट ट्रांसपायरेशन करता है और इसी एरियल पार्ट के ट्रांसपायरेशन के कारण हमें ड्रॉपलेट दिखाई पड़े बेलजार के एपिकल पार्ट पे। ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो कि नॉर्मल कंडीशन में आप घर पे भी कर सकते हैं, करना चाहे तो आप बेलजार ना लगा लीजिए, पॉलीथीन बांध के रख दीजिए, तब भी आपको पानी दिखाई पड़ जाएगा, प्योर वाटर होता है। ये ट्रांसपायरेशन का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन था। अब एक चीज बड़ा आपको आगे पढ़नी होगी, मैं पहले देता हूं। एक बड़ा पेपर होता है, इसे बोलते हैं कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है ना, इसका ओरिजिनल कलर और आफ्टर मॉइस्चर, दो कलर है बेटा, एक ओरिजिनल कलर एक आफ्टर मॉइस्चर, दो डिफरेंट कलर दिखाई पड़ेंगे, एक ओरिजिनल कलर होगा एक आफ्टर मॉइस्चर कलर होगा। जो बेटा ओरिजिनल कलर होता है ना, ओरिजिनल कलर बेटा ब्लू होगा, ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। और बेटा जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है आफ्टर मॉइस्चर, इसका कलर बड़ा पिंक हो जाता है। एक ये चीज याद रखिएगा कि ओरिजिनल जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा पेपर का, और जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा वो पेपर पिंक कलर का हो जाएगा। यानी हम इसको ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि यार अगर वो ब्लू था, हम हल्का सा मॉइस्चर मिलेगा ट्रांसपायरेशन में तो क्या मिल जाएगा उसको क्या मिल जाएगा, पिंक कलर में तुरंत कलर अपना कन्वर्ट कर देगा। चलो अब देखते हैं आगे, चलो आगे डिमॉन्स्ट्रेशन की तो आपके सिंपल टॉपिक हो गया, अब डिमॉन्स्ट्रेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन आ गया हमारे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पे बेस्ड है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, ये हो गया कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। क्या करना है? सबसे पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना होता है, एक कंट्रोल सेटअप। तो आप ये तो देख रहे हैं बेटा, ये एक कंट्रोल सेटअप है। बहुत से लोग होते पूछते कंट्रोल सेटअप का क्या मतलब है बेटा, ये हमारा कंट्रोल सेटअप क्या होता है? कंट्रोल सेटअप, अच्छा ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है। अब आप देखेंगे कि कंट्रोल सेटअप क्या है। कंट्रोल सेटअप उस सेटअप को कहते हैं जिसमें हम उस कंडीशन को रिड्यूस कर देते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट को हमें समझना है, उस कंडीशन को रिड्यूस कर देंगे। हमें पता है कि हमारे प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं, हम उसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रख के काम करेंगे। अगर वो प्लांट ट्रांसपायरेशन कर रहा है, वाटर आ रहा है, तो पक्का क्या हो जाएगा, ब्लू से पिंक हो जाएगा। ठीक है, हमने सेटअप रख दिया अपना एबीसी करके।
ए में कोई कोबाल्ट का टेम्पर नहीं रखा, बी सेटअप में ये बी सेटअप है, कहीं देखा जाए तो बी सेटअप इसका एक्सचेंज है, ये कंट्रोल सेटअप है, सॉरी कंट्रोल सेटअप आपका ये रहेगा बेटा, भाई मिस्टेक इधर हो गया, आप कंट्रोल सेटअप इसको इधर कर लीजिए, हमने जैसे कि बोला था कि कंट्रोल सेटअप क्या होगा, तो आपका सी वाला बेटा कंट्रोल सेटअप है, हम उस कंडीशन को मिस कर देंगे, उस कंडीशन को नहीं रखेंगे जिससे हमें एक्सपेरिमेंट प्रूव करना है, हमें पता करना था कि अगर ग्रीन प्लांट होगा या एरी प्लांट है तो वो ट्रांसपायरेशन करता है, तो हमने यहां पर एक कंट्रोल सेटअप रखा और प्लांट को गायब कर दिया, यानी जो एक कंडीशन जो नेसेसरी है उस कंडीशन को जिस भी एक्सपेरिमेंट में जिस भी सेटअप में हम हटा देंगे वो कंट्रोल सेटअप होगा। यहां पर हमारे लिए प्लांट कंडीशन था क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट प्लांट पे चल रहा है और हम प्लांट पे शो करना चाह रहे हैं भाई कि ये ट्रांसपायरेशन कर रहा है, हमने इसी को हटा दिया। जब भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में डेमोंस्ट्रेशन में लिखा रह जाए कंट्रोल सेटअप, तो याद रखना जिस कंडीशन पे हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं उस कंडीशन को हटा लो एक्सपेरिमेंट से, वो कंट्रोल सेटअप हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे हमारा कंट्रोल सेटअप है। हमने क्या किया, जब प्लांट रखा तो हमने देखा कि जिस बेल जार में प्लांट रखा था वहां पर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कैसा हो गया, ब्लू से पिंक हो गया, जबकि इस वाले सेटअप में ब्लू से पिंक नहीं हुआ। और जब इस सेटअप में ब्लू से पिंक नहीं हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं, नहीं तो यहां जो होना चाहिए था पिंक लेकिन नहीं हुआ। तो कोबाल्ट क्लोराइड पे याद रखिए, क्वेश्चन बने क्या कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर नॉर्मली ब्लू कलर का है लेकिन जैसे ही उसे मॉइस्चर मिला प्लांट से वो पिंक रंग का हो गया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे डिमॉन्स्ट्रेशन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो यहां अगर मैं राइट कर देता हूं, ये आईसीएससी के लिए आईसीएससी का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, और इस बार अंदाजा है कि ये क्वेश्चन आएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि यहाँ की फैकल्टी आपको वो पढ़ाएगी जो एग्जाम में आने की उम्मीद है 95%, यही एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का बेनिफिट मिलेगा आपको, बाकी तो पेपर बताएगा क्या सच है क्या गलत है। चलिए सबसे पहले जो ये चीज पोटोमीटर होती है, ये पोटोमीटर डिस्कवर करने वाले सबसे पहले जो थे उनका नाम था डार्विन। डार्विन साहब ने सबसे पहले पोटोमीटर को डेवलप किया और पब्लिक को बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ट्रांसपायरेशन की रेट को समझ सकते हैं कि कितनी स्पीड से ट्रांसपायरेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा बढ़िया बात है। लेकिन हमारा जो पोटोमीटर, डार्विन बहुत पहले की बात थी, बहुत चीजें बदलती गई, साल बीतते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, आज जो आप देख रहे हो पोटोमीटर, इस पोटोमीटर को गैनाम्स पोटोमीटर के नाम से जाना जाता है। जो आज आप पढ़ रहे हैं है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है बोर्ड में इससे। सबसे पहले आपने करना क्या है, मतलब इक्विपमेंट में क्या था कि हमारे पास एक जिगजैग शेप में एक ग्लास ट्यूब होती है, जो आप ये देख रहे हैं एक ग्लास ट्यूब है जो हमारी थोड़ी सी जिगजैग फॉर्म में है ग्लास ट्यूब। ओके, दूसरा बेटा इस जिगजैग जो हमारी ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर हम एक लीफी ट्यूब लगाते हैं। लीफी ट्यूब का मतलब होता है जिसमें पत्तियां ज्यादा पाई जाए, तभी तो हम समझ सकते हैं क्या ट्रांसपायरेशन किस हिसाब से हो रहा है, तो हम लीफी ट्यूब यूज करते हैं। ट्यूब मतलब छोटी सी टहनी काट ली हमने। एक क्वेश्चन यहां बनेगा, पहले समझते चलिए, सारे सेटअप को समझ लीजिए। एक जिगजैग फॉर्म में ग्लास ट्यूब लगाया, ग्लास ट्यूब के एक एंड पे हमने लीफी ट्यूब लगाया, कॉर्क से बंद कर दिया, एयर वेयर अंदर आने ना पाए। लीफी ट्यूब के जो स्टेम था वो स्टेम को हमने ऑब्लिकली कट किया है। ऑब्लिकली मतलब ऐसे कट हुआ है, ज्यादा ऑब्लिक कट होगा तो ज्यादा ज्यादा वाटर को वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, और अगर आपने के ऐसे कट करके लगाया है तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया कम हो जाता है। इस पे बोर्ड एक क्वेश्चन बनाता है। क्या क्वेश्चन बनाएगा, व्हाई शुड वी कट ट्विग obliquely
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, why should we cut twig obliquely? Obliquely क्यों कट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि surface area of absorption increases. Absorption का surface ज़्यादा पड़ी जगह, ज़्यादा water absorb करेंगे, experiment आसानी से handle हो जाएगा. Okay, यहाँ तक का part clear हो गया, आगे चलते हैं. अब आती है बात कि इसके ऊपर एक रिजर्वायर लगाया है. ये जो रिजर्वायर है किस लिए बड़ा, कि अगर बबल कहीं धोखे से आगे बढ़ जाए, आप देख नहीं पाए बबल के स्पीड को, तो आप रिजर्वायर को यहाँ पे टैप से ओपन कर देंगे. जैसे ओपन करेंगे ऊपर से वाटर गिरेगा नहीं, कि क्या हो जाएगा, वो बबल को पीछे धकेल देगा. यानी बबल को इसके ओरिजिनल प्लेस पे लाने का, बबल को इसके ओरिजिनल प्लेस पे जो लाने का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम इसका बेटा इस रिजर्वायर वाटर का. यहाँ भी क्वेश्चन बन गया, पीछे आ जाइए. एक पार्ट पे तो हमारा स्टेम का रखा गया, दूसरे पार्ट पे क्या किया बेटा हमने, इसको एक बीकर ऑफ वाटर, जो एक कलर वाटर था, कलर इसलिए लेते ना बेटा, कलर रखने से ये होता है कि हमें बबल क्लियर दिखाई पड़ता है. अभी ट्रांसपेरेंट, अभी वाटर भी हो, वाटर बबल दोनों सेम कलर करते हैं, ऐसे क्या होता है कलरफुल वाटर होता है उसमें बबल अलग दिखाई पड़ता है. कभी देखा होगा आपने बचपन में एक ग्लास की ट्यूब होती थी, उसके अंदर कलरफुल वाटर है, जब आप उसको ऐसे मूव करते थे बबल ऊपर बढ़ता चला जाता था, वही सीन है, वही ग्राम फोटोमीटर का एक नेम हुआ. तो यहाँ पर बबल है. अब करना क्या है, सारा सेटअप तैयार करने के बाद आप इस ट्यूब को बीकर में डिप करेंगे. बीकर में जैसे ही डिप करेंगे आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी एयर अंदर चली जाए, और ये जब एयर जाएगी तो यहाँ बबल बन जाएगा बेटा. आपकी जो बबलिंग हो गई, जो बबल बन गया, अब हमें इस बबल को ध्यान रखना है. कैसे ध्यान रखना है, अब हम बैठ गए एक घंटा लेकर के धूप में, क्या बैठ गए कि भाई एक घंटे में कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर हमारा बबल बढ़ा. जितना बबल बढ़ेगा हम समझ जाएंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है, हम समझ जाएंगे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है. बात क्लियर हो गई. और सपोज गलती से आपसे मिस हो गया तो आप क्या करेंगे, आप रिजर्वायर ओपन करेंगे, बबल भी पीछे आ जाएगा. क्लियर, अभी मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, इस पे क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करता हूं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता हूं. चलिए कुछ क्वेश्चन पॉइंट मार्क करिएगा जरा. क्वेश्चन आपका बनता है, इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेम द अपरेटस. पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या है, नोट करिए क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बनता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है. क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेम द अपरेटस. तो पहला क्वेश्चन नेम द अपरेटस, मैं लिखने में समय नहीं लगा रहा हूं, आप लिख के जरूर उसको, नेम द अपरेटस. अपरेटस क्या है, तो आपका आंसर हुआ गैनॉन्स फोटोमीटर. पहला क्वेश्चन का आंसर नेम द अपरेटस गैनॉन्स फोटोमीटर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, व्हाट इज यूज्ड फॉर, इसका यूज क्यों किया जाता है, तो आपके पास ये आंसर है, फॉर द मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. कई बुक से इसको लिखती है इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ वाटर. तो ये दोनों चीजें तैयार हो गई आपकी, दो क्वेश्चन हो गए. तीसरा क्वेश्चन चलते जल्दी से, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द एयर बबल. एयर बबल क्या रोल प्ले कर रहा है, एयर बबल रोल प्ले कर रहा है किस चीज के लिए, एयर बबल रोल प्ले कर रहा है आपके रेट ऑफ स्पीड के लिए, कि वो बताएगा मेजरमेंट के लिए कितने टाइम में कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर बढ़ा. आपके बुक का ही क्वेश्चन है, कई बुक से है, सब में लगभग लगभग यही एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसको समझाते हुए चल रहा हूँ. आगे चलते हैं, क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट इज द यूज ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर का यूज क्या है. तो रिजर्वायर का यूज क्या है, रिजर्वायर ओरिजिनल प्लेस पे ले आता है एयर बबल के, यानी इट रिप्लेस द एयर बबल ऑन देयर ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस पे ला करके रख देगा. इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द मूवमेंट ऑफ एयर बबल इफ द अपरेटस इज केप्ट इन द डार्क. अगर डार्क में इसी अपरेटस को रख दिया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो भाई डार्क में रख दो, सिंपल सी बात है, डार्कनेस में ट्रांसपायरेशन रेट स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो अफेक्ट क्या होगा, एयर बबल आगे नहीं बढ़ेगा. क्लियर, समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर. इसी में एक और आता है, सनलाइट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सनलाइट रख देंगे तो एयर बबल की स्पीड तेज की, क्यों, सनलाइट पे तेजी से ट्रांसपायरेशन होगा, तेजी से ट्रांसपायरेशन होगा तो एयर बबल आगे की तरफ बढ़ेगा स्पीड. क्लियर, तो ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन, और इस डिमॉन्स्ट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब आती है बात कि सर ट्रांसपायरेशन हम समझे, और ट्रांसपायरेशन से कुछ जुड़े हुए डिमॉन्स्ट्रेशन समझे भी हम, कि हाँ क्या क्या डिमॉन्स्ट्रेशन है.
अभी एक दो के डेमोंस्ट्रेशन और बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि दुनिया में ट्रांसपायरेशन नाम की कोई चीज होती है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन आ गया कि टाइप्स कितने टाइप के ट्रांसपायरेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की बात करें, सबसे पहला हमारा है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, तीसरा है हिस्टोमेट्रल ट्रांसपायरेशन। ये बाघ टाइप आपके नहीं है, अब बाघ टाइप मत लीजिए। आपके लिए देखिए तीन ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर एंड स्टोमेटल, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेंटिकल देख लीजिए बेटा। लेंटिकल क्या होते हैं? टाइनी पोर होते हैं, टाइनी पोर ऑन द वुडी स्टेम, टाइनी पोर ऑन द वुडी स्टेम। वुडी मतलब आम, नीम, अमरूद के जो पेड़ हैं इनके स्टेम में टाइनी पोर्स होते हैं, और उन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? लेंटिकल। लेंटिकल से जुड़ा एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, क्या पूछेगा कि लेंटिकल्स, याद रखिएगा, लेंटिकल्स क्या होगा? लेंटिकल्स क्या होगा? ऑलवेज ओपन होगा, ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वन नंबर में, याद रखिएगा इस चीज को, वन मार्क्स के लिए, ऑलवेज ओपन रहते हैं लेंटिकल्स। सेकेंड आता क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर क्या होता है? वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर ऑन द लीफ, वैक्सी लेयर ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है, उस वैक्सी लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं। तो भैया ये प्रिवेंशन के लिए होती है, ट्रांसपायरेशन ना हो, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट ट्रांसपायरेशन हो ही जाता है, तो बन गया क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। एंड थर्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटल आप टाइनी पोर्स, ये भी टाइनी पोर्स है, कहां पाया जा रहा है भाई? ये टाइनी पोर्स पाया जा रहा है ऑन द लीव्स, बिहाइंड द लीव्स, दोनों में अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग लीव्स होती हैं। थ्री टाइप से स्टोमेटल आपका ट्रांसपायरेशन होता है। तो बेटा जो हमारे लिए एग्जामिनेशन के जितने क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए, इतने से क्वेश्चन आना इन दोनों से। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के लिए हमें डेप्थ पे चलना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अगला डायग्राम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखिए लेंटिकल्स ऑलवेज ओपन रहेंगे, टाइनी पोर्स होते हैं जो वुडन प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है लीफ पे, इसका काम प्रिवेंशन को रोकना होता है, लेकिन फिर भी इससे कुछ ना कुछ ट्रांसपायरेशन हो ही जाता है। और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन आ गया, स्टोमेटा से होने वाला ट्रांसपायरेशन क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। चलिए अब हमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हमें लीफ को समझना पड़ेगा कि एक लीफ जो हमारी है, उस लीफ में कहां पर स्टोमेटा होते हैं। तो चलिए समझते हैं एक लीफ की एनाटॉमी को। लीफ की एनाटॉमी की बात करें बेटा, तो ये लीफ को कट किया गया, ऐसे मान लीजिए लीफ है, हमने क्या किया बेटा, इस लीफ को यूं कट किया, ठीक, कैसे कट किया है हमने, इस लीफ को ऐसे कट किया। आप जब ऐसे कट करते हैं इस लीफ को, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब जब कोई लीफ है उसको ऐसे कट कर दिया सामने, इसको आपको ऐसे लेयर दिखाई पड़ेगी, ऐसी लेयर्स दिखाई पड़ेंगी, वही लेयर्स है, उसको जूम कर दिया। तो लीफ को ऐसे कट करने पे हमें दिखा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और जब हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर दिया तो हमें लीफ में बहुत कुछ दिखाई पड़ा। सबसे पहले आप देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर, देखिए ये जो लेयर देख रहे हैं इसे एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, जबकि लेयर क्या है? एपिडर्मिस है, दोनों तरफ एपिडर्मिस दिख रही है, ऊपर की तरफ भी लोअर की तरफ भी। तो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस स्टैंडर्ड चेंज किया, एडैक्सियल एपिडर्मिस अबैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल मतलब अपर और अबैक्सियल मतलब लोअर। एडैक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, याद रखिए इतना थोड़ा हाईफाई है। एडैक्सियल मतलब डॉर्सल सरफेस पे पाई जाने वाली, और अबैक्सियल वेंट्रल सरफेस पे। इसी के ऊपर देखिए एक लेयर देख रहे हैं ग्रीन कलर की, यही लेयर हमारी क्या क्यूटिकल होती है। अब जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं,
आप देखते हैं बहुत सारी सेल्स का एक जाल बिछा हुआ है और सारी की सारी सेल्स को, इन दोनों सेल्स को मिला करके हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स में टू टाइप की सेल्स हैं, सिलिंड्रिकल पारी शेप सेल्स एंड स्फेरिकल शेप में स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। याद रखिएगा दोनों को मिला के मेसोफिल सेल्स बोला। अब जैसे ही आप एबैक्सियल पे आते हैं, एबैक्सियल सरफेस पे लोअर एपिडर्मिस पे आपको टाइनी पोर दिखना चालू हो गए बेटा। ये टाइनी पोर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के ऊपर जो स्पेस दिख रहा है ये सब स्टोमेटल कैविटी है और बीच बीच में इंटरसेलुलर या एयर कैविटी पाई जाती है। तो इस सेल से वॉटर यहाँ पे आता है एयर कैविटी पे और इस एयर कैविटी से होते हुए कहाँ पहुंचता है? सब स्टोमेटल कैविटी पे। और जैसे ही सब स्टोमेटल कैविटी पड़ा, एडमा स्टोमेटा ओपन हुए, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे चला गया और ट्रांसपायरेशन हो गया। इस तरीके से ट्रांसपायरेशन हो जाता है। तो ये तो लीफ की एनाटॉमी थी, फोटोसिंथेसिस में भी काम आएगा, याद रखिएगा इसको। मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल्स दो पार्ट में डिवाइड है, पॉलीसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। क्लियर? अपर सरफेस पे एडैक्सियल, लोअर सरफेस पे एबैक्सियल। वाटर कहां जा रहा है? सेल से पहले जाएगा इस एयर कैविटी में, देन इस एयर कैविटी से कहां जा रहा है? सब स्टोमेटल कैविटी में। आपको पता है नेचर है, आप पढ़ के आए लास्ट चैप्टर से, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट पे कार्यक्रम होता है। तो यहां से वाटर हायर से कहां जा रहा है? लोअर की तरफ। चलिए अब एक स्टोमेटा को समझते हैं। स्टोमेटा का डायग्राम मैं आपको बताता हूं कि स्टोमेटा का डायग्राम कैसा होगा। देखिए सिंपल सा मेथड आपको ड्रॉ करके बताता हूं, मैं चाहता तो बड़ा बना लेता, मैंने सोचा कि नहीं ये डायग्राम आप खुद बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। बीन शेप सेल लेनी है, ये देखिए बीन शेप सेल ली मैंने ऐसे, दूसरी सेल से ले लिया ऐसे मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ले लिया आपने, अब इनके जो इनर लेयर होती है थोड़ी सी थिक होती है, चंद लम्हों में डायग्राम बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके सराउंडिंग कुछ सेल्स बना दी जाए नहीं तो बुरा मान जाएंगे। सराउंडिंग सेल्स है, ये सेल्स है, नाम बताता हूं, ज्यादा लेबलिंग नहीं है डायग्राम में, अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, न्यूक्लियस भी होता है। ये एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस बना दीजिए आप अपने इच्छा के अनुसार, लीजिए ये न्यूक्लियस बन गया। बस करना क्या है, इसकी लेबलिंग कर देते हैं। चलो भाई लेबलिंग कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं इनका नाम है सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। ये जो देख रहे हैं बड़ा गार्ड सेल्स है, ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई, ये बेटा क्लोरोप्लास्ट है, ये आप जो देख रहे हैं न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट हो गया न्यूक्लियस सब्सिडियरी, और इसे बेटा कई बुक से स्टोमा लिखते हैं, स्टोमा। और ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल। तो बीन शेप जो आप सेल देख रहे हैं, बीन शेप सेल आपकी क्या है? ये आपकी गार्ड सेल्स है, बगल में इनके सब्सिडियरी सेल्स हैं, अंदर न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये एक स्टोमेटा। अब बेटा इसी में अगर क्लोज आता है ना तो करना क्या आपने, आपने करना ये है कि इस लेयर को उठा करके ऐसे बंद कर देना। अब ये क्लोज स्टोमेटा हो गया, ठीक है, इसे ध्यान देना। तो ये स्टोमेटा कहां पाया जा रहा है? ये हमारे मोस्टली हमारे अबैक्सियल सरफेस पे पाया जा रहा है। अभी आपने देखा अबैक्सियल सरफेस पे पाया जा रहा है, फिर से मैं दिखा दूं आपको, भूले ना। ये देखिए इस सरफेस पे डायग्राम को हमने क्या किया है, हमने सरफेस के डायग्राम को जूम आउट किया है और जूम आउट करके आपको हमने ये दिखाया है, ये लोअर सरफेस, यानी इसको पूरा ऐसे समझिए उल्टा तो नीचे पोर है। जैसे स्टोमेटा गार्ड सेल्स ओपन होगी, एयर का एक्सचेंजमेंट, वाटर का एक्सचेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें समझना है अच्छे से।
तो ये स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन के लिए हमारे स्टोमेटा रिस्पांसिबल होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की मैकेनिज्म में फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा और देखो मैं ट्राई करूंगा तो मैं इस लेक्चर में डाल दूंगा मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहां तक स्टोमेटा समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा अगर एक बार आप समझ गए तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी आगे समझने के लिए, ठीक है भाई। तो चलो हम अब ऐसा करते हैं कि आपको मैकेनिज्म बता ही दें। चलिए मैकेनिज्म बता ही देते हैं। सबसे फेमस मैकेनिज्म नहीं बेटा, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी क्या होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में थे भाई साहब, गार्ड सेल्स के अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन पे एटीपी बनाया बेटा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेटा एटीपी एनर्जी की करेंसी होती है, जैसे एटीपी बनती बेटा ये एटीपी बाहर मौजूद पोटेशियम को, बाहर मौजूद जो गार्ड सेल के बाहर जो सेल्स है वहां मौजूद होता है पोटेशियम, उस पोटेशियम को अंदर की तरफ खींचने लगता है, पोटेशियम को अंदर की तरफ खींचने लगा। जब पोटेशियम अंदर की तरफ बढ़ने लगा बेटा तो अंदर कुछ ऐसी घटना घट गई कि जैसे तुम्हारे पास एक ग्लास वाटर हो और उसमें तुम नमक घोलते जा रहे हो। अब आप जब लगातार नमक घोलते ही जा रहे हो तो अंदर का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। और आपने पढ़ा हुआ हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में, अगर ये हाइपरटोनिक हो गया तो गार्ड सेल के बाहर जो सेल सब्सिडरी मौजूद है उससे वाटर सेल के अंदर जाने लगेगा। कहा जाएगा? सेल के अंदर। जब वाटर सेल के अंदर जाने लगेगा बेटा तो गार्ड सेल पे क्या पड़ जाता है? टर्गर प्रेशर। क्या पड़ जाएगा? टर्गर प्रेशर। और जब टर्गर प्रेशर बढ़ गया तो हमारे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? बाहर से पानी भर रहा ओपन हो गए, यानी पोटेशियम के अंदर आने के कारण गार्ड सेल्स खुल गए। जब गार्ड सेल्स ओपन हो गए तो वाटर का ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही टाइम नाइट में होगा, खाना बनना बंद, सारा पोटेशियम बाहर जाएगा, आउटफ्लक्स हो जाएगा पोटेशियम का। जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा अंदर का सोल्यूशन हाइपो हो जाएगा, अब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर चला जाएगा और जो हमारे स्टोमेटा है क्लोज हो जाएंगे। इसी को बोला पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है। जल्दी समझ लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। ये था आपका पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो इससे आप ये समझ गए कि आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और आज का लेक्चर बेकार नहीं जाएगा जिन्होंने लास्ट तक देखा है। 100% कह रहा हूं कि ट्रांसपायरेशन में जो क्वेश्चन बताया है 5 मार्क का क्वेश्चन गेनॉन्स फोटोमीटर से फंसना है, अदरवाइज 3 से 4 नंबर का केवल क्वेश्चन आज के लेक्चर में लिख लीजिए। आप कमेंट करिएगा जब पेपर में सॉल्व करिएगा क्वेश्चन 100%। तो ऐसी चीजों के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिसमें आपका सहयोग क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप बेनिफिट लेते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, यही हमारा एक मेन एम है, क्लियर। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।